दोस्तों, आपने ऐसे डायलॉग तो बहुत बार सुने होंगे कि भगवान हर जगह नहीं आ सकता, इसीलिए उसने माँ बनाई है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। हमारे माता पिता हर एक क्षण हमारी रक्षा करते हैं और हर बुराइयों से हमें बचाकर भी रखते हैं। लेकिन जानवरों के केस में ये बात थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ गुस्से में या फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या फिर कभी कभी तो हवस के चक्कर में माता पिता अपने बच्चों को मारने से नहीं झिझकते। और आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 सबसे वर्स्ट जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने बच्चों को ही मार देते हैं। ऐसे माता पिता शायद किसी को भी ना मिले, और इनकी करतूतें देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सुअरों की। सुअरों का नाम लेते ही इंसान बेझिझक अपना मुंह बना लेता है, और यही सुअर अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने के लिए जरा सा भी नहीं सोचते, क्योंकि सुअरों को काफी एग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो काफी गुस्सैल होते हैं, जिस पर इंटरनेट पर कई सारे वीडियोस भी अपलोडेड है कि कैसे यदि एक बार सुअरों को गुस्सा आ जाए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते, फिर चाहे उन्हें अपने बच्चों को भी मारना क्यों ना पड़े। असल में दोस्तों, जब मादा सुअर अपने बच्चों को जन्म देती है तो उन्हें काफी कष्ट होता है, और उसी कष्ट का गुस्सा वो अपने बच्चों पर निकालती है। तो आप समझ जाइए कि जो नवजात बच्चे जो बस अभी कुछ चंद घंटों पहले जन्मे हैं और उनके शरीर में यदि दांत घुसाए जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसे में कई बार ये उन्हें एक बार काट कर शांत हो जाती है, तो कई बार ये उन्हें पूरा ही मार देती है। हालांकि वैज्ञानिक अभी यही आविष्कार कर रहे हैं कि सुअर अपने बच्चों को कम से कम जन्म दे, ताकि इनका ये गुस्सा इन्हीं के बच्चों की जान का दुश्मन ना बने। अब अगले नंबर पर बात करते हैं इस पक्षी की, जिसका नाम है स्टॉक। ये अपने बच्चों को घोंसलों से उठाकर नीचे फेंक देती है, और यदि इनके घोंसलों की हाइट की बात करें तो ये काफी ऊंचे पेड़ों पर बने होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और एक बार यदि कोई बच्चा इस हाइट से नीचे गिरता है तो उसकी बचने की गुंजाइश बिल्कुल शून्य के बराबर होती है। और अभी आप सोचेंगे कि भला ये पक्षी अपने ही बच्चों को मरने के लिए नीचे क्यों छोड़ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये पक्षी ऐसा इसीलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें अपने बच्चों से प्यार ही नहीं है, बल्कि उनका ऐसा करने का सीधा सा मतलब यही है कि जितने कम बच्चे रहेंगे ये उन्हें उतने ही अच्छी तरीके से पाल सकेंगी। और यही कारण है कि बच्चों की ज्यादा संख्या होने पर ये उन्हें अपने घोंसले से उठाकर नीचे गिरा देती है, और अधिकतर कमजोर बच्चों को ही माँ के ऐसे स्वभाव का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आप अभी सोच लीजिए कि यदि ऐसा बर्ताव इंसान भी करने लग जाए तो ये समाज किस दिशा में बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये तो बस वीडियो की शुरुआत है, आगे आप ऐसे कई सारे माता पिताओं को देखेंगे जिनके रीजंस को जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जरा आप इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि अपने दिल को पक्का करके बैठिएगा, क्योंकि ये दृश्य आपको पूरी तरह से हैरत में डालने वाला है। ये घटना 2015 हुआवी नेशनल पार्क की है, जब लिटिल हिप्पोपोटामस की माँ इसे अपने बाकी के ग्रुप मेंबर से मिलवाने लाई थी, ताकि ये पूरे ग्रुप में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। लेकिन उसे शायद ये बात पता नहीं थी कि उसके बच्चे का दिन आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि इस लिटिल हिप्पोपोटामस को देखकर नर हिप्पोपोटामस उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगे और इसे अपने दांतों के नीचे दबाने लगे, और लिटिल हिप्पोपोटामस की माँ उसे बाकी के हिप्पोपोटामस से बचाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ये इतने गुस्से में थे कि इन्होंने ना आव देखा ना तो ताव, और सब ने मिलकर इसे मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि उसके बचे हुए शव को मगरमच्छ ने अपना नाश्ता ही बना लिया। लेकिन दोस्तों, हिप्पोपोटामस का ये बर्ताव नया नहीं है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है कि ये बड़े हिप्पो अपने ग्रुप में और मेंबर्स ना ऐड करने के लिए छोटे बच्चों को मार देते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है,
और इनके इस बिहेवियर का असली कारण क्या है, इस बात का अभी तक ढंग से पता नहीं लग पाया है, क्योंकि हिप्पो काफी गुस्सैल स्वभाव के जानवर होते हैं। उन पर शोध करने में शोधकर्ताओं की भी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, आपने बच्चों के सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए उनके बच्चों को मारने वाले माता पिताओं को तो देख लिया, अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। क्योंकि वो अपने बच्चों को बस इसीलिए मारते हैं क्योंकि जब वो अपने माँ पर फीडिंग कर रहे होते हैं तब मादाएं उन्हें अपने साथ संबंध बनाने नहीं देती, और इसी चक्कर में शेर अपने खुद के बच्चों को मारने के लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, भले ही ये सच आपको कड़वा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। अब आइए आपको दुनिया के सबसे चालाक पंछी से मिलाते हैं, जो कि है कुकू। जी हाँ, कुकू ये ऐसे पक्षी है जो कभी भी अपने बच्चों को अपने घोंसले में कभी जन्म नहीं देते, बल्कि अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में डालकर फरार हो जाते हैं। तभी आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे दूसरे प्रजाति के बर्ड दूसरे प्रजाति की तरह बिहेव करते हैं। वो कुछ और नहीं बल्कि इसी चीज का नतीजा है। कुकू बर्ड किसी भी दूसरे पंछी के घोंसले में अंडे देखकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग चली जाती है। इन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से पंछी के घोंसले में अंडे दे रही है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब इन अंडों में से ये पंछी बाहर निकलते हैं, तो ये बाकी बच्चों के साथ ही घुल मिल कर उस घोंसले वाली माँ से खाना मांगते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि ये बर्ड बचपन से ही कितने चालाक होते हैं। अब शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पांडा पसंद ना हो, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट होते हैं। लेकिन जब बात माता पिता बनने की आती है तो ये इतने अच्छे पेरेंट्स नहीं होते, जिसकी बात ये है कि पांडा को बच्चे पालने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर हर समय ध्यान देना पड़ता है, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इसीलिए कभी जब मादा पांडा के ट्विंस पैदा होते हैं तब वो उनमें से एक को अपना लेती है और दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज यानी कि इग्नोर करती है, और मादा पांडा के इसी बिहेवियर की वजह से दूसरे बच्चों को मौत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों तक अपने माँ के प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। और शायद यही कारण है कि पांडा की जनसंख्या बाकी जानवरों से इतनी कम है। पहले तो ये चीज इन बच्चों को मार देती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। जब भी पांडा को ट्विंस होते हैं और जब माँ किसी बच्चे को नजरअंदाज करने लगती है, उसे वैज्ञानिक कुछ समय तक मशीन के अंदर रखते हैं, और जब भी पांडा का ध्यान भटकता है तब वैज्ञानिक इन बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। अदला बदली का कार्यक्रम दिन में 3 से 4 बार किया जाता है, ताकि दोनों बच्चों को बारी बारी से माँ का प्यार मिल सके। इसी तरह से माँ को बच्चों का प्यार मिल जाता है और मादा पांडा को ये भी बात पता नहीं चलती कि ये एक साथ 2 बच्चों को संभाल रही है। दोस्तों, हमें पता है कि पांडा के बारे में जानकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले क्रिएचर एनिमल किंगडम में मौजूद है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईगल है। ईगल अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, और हम इंसानों की तरह ही उन्हें बारिश से लेकर धूप से संरक्षण करती है, और तो और उन्हें बिल्कुल फ्रेश मांस भी खिलाती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब ईगल अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करती है तो वो ये लिस्ट में क्यों मौजूद है। असल में दोस्तों, ईगल खुद अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाते देख उन्हें बचाती भी नहीं है। अब होता ये है कि ईगल अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार देती है, लेकिन उनमें से एक जब ज्यादा ताकतवर होकर दूसरे भाइयों को मारने लगता है तो यही मादा ईगल उन्हें मारने से बचाती भी नहीं है, और अंत में सबसे ताकतवर बच्चा ही बच पाता है। ईगल ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जब घोंसले में जितने कम बच्चे होंगे उन्हें संभालने में उतना ही अच्छा होगा। अब आपने पानी के ऊपर का सच तो देख लिया, अब आइए थोड़ा पानी के अंदर तैर कर आते हैं। जी हाँ, मछलियाँ भी हमारे इस लिस्ट में शामिल है। जब मादा मछलियाँ अपने अंडे एक जगह पर देती है तो उनका काम उसी जगह खत्म हो जाता है, और इसी साथ नर मछलियाँ इन्हीं अंडों की देखभाल करती है।
ताकि इन अंडों को कोई परेशानी ना हो और कोई शिकारी जीव इन्हें खा न ले। लेकिन इनका यह रक्षक स्वभाव कब भक्षक रूप ले लेता है ये हमें पता ही नहीं चलता। जब ये छोटी मछलियां अंडों से निकलकर तैरना शुरू कर देती है तब नर मछली के मन में लालच पैदा होता है और वो उन्हें खाना शुरू कर देता है और वो उन्हीं मछलियों को खाते हैं जिनकी उन्होंने कभी रक्षा की थी। हालांकि इस चीज में वो मछलियां तो बच जाती है जो अंडों से सबसे पहले निकलती है, लेकिन जो सबसे आखिर में निकलते हैं उन्हें अपने ही रक्षक पिता का भक्षक रूप देखने मिलता है। दोस्तों आखिरी नंबर पर आता है डॉल्फिन। आप सोच रहे होंगे डॉल्फिन तो इतने क्यूट होते हैं और वो किसी को हानि भी नहीं पहुंचाते, तो वो इस लिस्ट में क्यों शामिल है? दोस्तों जब डॉल्फिन अपने बच्चों को जन्म देती है तो मादा डॉल्फिन उन्हें पानी के ऊपर लेकर आती है ताकि वो पानी के बाहर सांस लेना सीखे। लेकिन जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि मादा डॉल्फिन इस बच्चे को पानी के ऊपर ढकेल रही है, तो वही पीछे के दो नर डॉल्फिन इस बच्चे को पानी के अंदर दबा रहे हैं ताकि वो सांस न ले पाए, क्योंकि शेर और शेरनी की तरह ही जब तक मादा डॉल्फिन अपने बच्चों के साथ समय बिताती है तो वो नर डॉल्फिन के साथ संबंध नहीं बना पाती। इसीलिए कई बार नर डॉल्फिन भी जन्म के बाद ही अपने ही बच्चों को मार डालते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आपको ये वीडियो काफी बिजार लगा होगा, लेकिन हम दावा करते हैं कि हम आपके लिए इससे भी और अजीब और हैरतअंगेज वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन से माता पिता सबसे बेकार लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।